हेलो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 11 केजी क्रेकर मशीन का आर्मेचर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये पूरा जल गया है, ये देखिए, यहाँ से देखिए ये पूरा हीट होके जल गया है। तो ये पूरा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे देखिए टॉर्च हुआ है। तो क्यों जला है उसका भी कारण यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पूरा टॉर्च हुआ है, ये बॉडी चारों तरफ पूरा जितने भी घुमा लो एक टॉर्च हुआ है पूरा, मतलब कॉयल में ये टॉर्च हुआ है। ओके, मैं कॉयल लाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टॉर्च हुआ है कॉयल में। ओके, क्यों टॉर्च हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो नेडल बेयरिंग यहाँ पे बैठता है, ये देखिए इसके जो अंदर में नेडल बेयरिंग बैठता है ये टूट गया है। कभी कभी ये टूट जाता है, बहुत मशीन में टूट जाता है, ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, टूट जाता है, फिर आप दोबारा लगा लो को फिर चलेगा। लेकिन दोस्तों ये टूटने के बाद भी मशीन को चलाया गया है, तो ये जो बेयरिंग है ये टूटने के बाद पकड़ लो एक दिन चलाया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो नेडल बेयरिंग है ये पूरा छोटा 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 उसके जो बॉल है छोटा छोटा हो गया है। यहाँ पे देखिए ये जो नेडल बेयरिंग है ये पूरा टूट गया है, मतलब इसका बॉल भी छोटा छोटा हो गया है। ये देखिए ये जो बॉल बॉल इससे ये देखिए बॉल ये लंबा रहता है लेकिन ये छोटा छोटा हो गया है बॉल। क्यों? क्योंकि ये एक नेडल बेयरिंग तोड़ने के बाद ये एक दिन के आसपास ये चला हुआ है मशीन। तो इसके वजह से दोस्तों ये आर्मेचर जल गया है, क्योंकि ये ओनली ये नेडल बेयरिंग के लिए ही ये आर्मेचर जल गया है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी आपको स्पॉट मिलेगा, नेडल बेयरिंग यहाँ पे टॉर्च हुआ है, क्योंकि ये बॉल नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ से ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे ये देखिए पूरा ढीला रहता है। ये देखिए अगर इसमें बॉल नहीं रहेगा तो ये इतना लूज रहेगा, तो ये जो थोड़ा सा लूज में आपका ये जो आर्मेचर कॉयल में टॉर्च होगा, कॉयल में टॉर्च होने के बाद ये स्पेड घूमने के कारण ये जल जाएगा। ओके, तो ये दिक्कत हुआ है। तो हमेशा ट्राई कीजिए, अगर आप मशीन चला रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर नेडल बेयरिंग टूट गया है या फिर साउंड हो रहा है कुछ, या फिर ये देखिए नेडल बेयरिंग टूटने के बाद आपको भी पता नहीं चलेगा, अगर नहीं नहीं भी चल रहा है तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे स्पार्क करेगा, आप ऊपर से देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो ये स्पार्क करेगा, फिर उसमें स्मेल भी आ सकता है और मोटर पूरा बहुत जोर से हीट भी हो सकता है। ये जरूर ध्यान दीजिए, अगर आप मशीन चला रहे हो तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए छोटा सा दिक्कत था लेकिन इसमें बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे बेयरिंग टूटा है और नेडल बेयरिंग का बॉल मुझे यहाँ से मिला, उस इस टूल होल्डर से मिला। तो ये गलती मत कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए दोस्तों मशीन को सेफ रख के चलाने के लिए। तो ये दोस्तों एक छोटा सा जानकारी था। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।